हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है? इसका डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से, मोर देन वन सब क्लास, सब क्लास मेरा एक से ज़्यादा रहेगा, इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, बेस क्लास मेरा एक रहना चाहिए, और ड्राइव्ड क्लास या फिर सब क्लास जो है मोर देन वन रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास जिसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, एक सिंगल बेस क्लास रहना चाहिए, उसे क्रिएट जितना भी कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, हमें क्लास ए बनाया है, पहले क्लास ए बनाने के बाद एक हम डिराइव्ड क्लास, क्लास ए को इनहेरिट करते हुए क्लास बी बनाए हैं, और उसके बाद क्लास सी बनाए हैं। तो यहाँ पे बेस क्लास कितना है, ये मेरा बेस क्लास हुआ, क्या ये मेरा बेस क्लास है। तो बेस क्लास यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बेस क्लास है, एक ही बेस क्लास है। और डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास कितना है, इस ए का सिर्फ देखिएगा, ए का क्या है, बी है और सी है। तो यहाँ पे मोर देन वन है, तो मोर देन वन सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं इसको, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये अगर इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, अगर तीन लेवल का है, जैसे लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री, तो इसको हम बोल देंगे बेस क्लास, इसको बोल देंगे इंटरमीडिएट, इसको बोल देंगे ड्राइव्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं सब क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास, डी वन इसको डी टू, ड्राइव्ड क्लास डी टू इसको डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स। तो ये तो मेरा क्लास ए का क्लास बी और क्लास सी हो गया। सेम प्रॉपर्टीज पे लगाते हैं क्लास बी वाले पे, तो क्लास बी को देखिएगा, और ये क्लास बी का जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, क्लास डी कर रहा है और क्लास ई कर रहा है। तो यहाँ पे बेस क्लास कितना है, और सबको भूल जाइए, सिर्फ इतना को देखिएगा, सिर्फ इतना को। तो यहाँ पे बेस क्लास कितना है, बेस क्लास एक है और डिराइव्ड क्लास मोर देन वन है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। तो यहाँ इसका डेफिनेशन जैसा वहाँ पे बोला जा रहा है, तो वैसा ये फॉलो कर रहा है। सेम क्लास यहाँ पर भी है मेरा, क्लास सी, क्लास एफ और क्लास जी। तो यहाँ पे क्लास सी मेरा क्या हो गया, बेस क्लास जैसे इसके बिहेव करेगा, और ये दोनों सब क्लास जैसा बिहेव करेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल हम कुछ प्रकार से इसी इस डायग्राम को ही एग्जाम्पल में उतारते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास ए, उसके बाद इसमें जो भी प्रॉपर्टी देना होगा वो प्रॉपर्टी देंगे, इसको हम बोल देते हैं कोड वन। कोड वन यहाँ पे कोई वेरिएबल रह सकता है, फंक्शन लगा सकता है, कोई कंस्ट्रक्टर भी रह सकता है, तो कोड एन इसको नाम देते हैं। उसके बाद क्लास बी और क्लास सी, तो एक क्लास बी बनाते हैं, क्लास बी, इसमें जो भी कोड होगा या फिर जो भी मेथड होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसको बोल देंगे हम कोड टू। उसके बाद एक क्लास सी बनाना है, क्लास सी, तो क्लास सी में जो भी रहेगा उसको हम बोल देते हैं कोड थ्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास बी जो मेरा है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिट कर रहा है, तो इसको इनहेरिट करने वाला भी कोड लिखना पड़ेगा। ये तो सिंपल हम क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, तो इनहेरिट करने वाला कोड कैसे लिखते हैं, हम सिंपल पहले कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद क्या करते हैं, हम जो भी इनहेरिट मोड होता है वो देते हैं। तो इनहेरिट मोड यहाँ पे हम पब्लिक दे देते हैं, इनहेरिट मोड मेरा पब्लिक, और पब्लिक के बाद यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं, क्लास का नाम मेरा क्या है, ए, तो यहाँ पे दे देंगे ए। तो ये क्या हुआ, क्लास बी जो है क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, क्लास सी पे आते हैं, तो क्लास सी में भी हमको इनहेरिट करवाना है, तो सबसे पहले कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद इनहेरिट मोड, तो इनहेरिट मोड पब्लिक दे देते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट भी दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं, अब यहाँ पे हम पब्लिक लिख दिए। उसके बाद किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, तो ए क्लास का नाम यहाँ पे लिख देंगे, तो ए। ओके, सेम हम यहाँ पे करेंगे डी में, तो एक क्लास डिफाइन करते हैं फिर से डी, क्लास डी, और ये किसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा देते हैं, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा देते हैं। तो कोड यहाँ पे इसको नाम देते हैं कोड फोर। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्लास ई है, तो क्लास ई को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्लास ई, इसका यहाँ पे फिर से इनहेरिटेंस मोड, इनहेरिटेंस दे देते हैं पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे जिसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास बी का यहाँ पे दे देते हैं, इसको आप कोड फाइव दे दीजिए नाम। ओके, तो इतना ही काम एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब यहाँ पे इसको डब्बा बना के समझे, तो डब्बा बनाते हैं क्लास ए का डब्बा, तो क्लास ए का यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, कोड वन, कोड वन, और यहाँ पे बी का बनाते हैं, तो बी में क्या रहेगा, कोड टू, और कोड टू तो रहेगा इसका सेल्फ वाला, और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है, कोड वन भी यहाँ पे कॉपी होगा, कोड वन। ओके, फिर आगे सी पे बढ़ते हैं, तो सी पे क्या होगा, सी का इसका सेल्फ वाला जो है कोड थ्री वो तो रहेगा ही। उसके बाद ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है, तो ए का वाला जो भी कोड था कोड वन वो यहाँ पे आकर कॉपी हो गया। उसके बाद क्लास वैसे ही आगे बढ़ाते हैं डी में, तो डी में इसका कोड फोर इसका सेल्फ का है कोड फोर, और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है, बी में क्या है कोड टू, तो यहाँ पे कोड टू आ जाएगा। तो जो भी हम कोड देंगे वहाँ पे ये कॉपी होता जाएगा। तो यही था मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसका अब एग्जांपल करके देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में।